सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। खुदावंद अपने मुकद्दस साइकिल में है, सारी जमीन उसके आगे खामोश हो रहे, हमारे मुंह की बात और हमारे दिली सोच तेरे हुजूर पसंद आवे। आए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। ये प्रभु परमेश्वर का पवित्र कलाम है। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को अपनी बरकत और अपनी रूहें देंगे, आमीन। आइए मसीह यीशु मजीजों, आज पवित्र त्रिएक रविवार आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सब कुशल होंगे, हम सब स्वस्थ हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। खुदावंद आप सबों को बहुत आयत के साथ बरकत दे। आइए हम एक छोटे से प्रार्थना स्वरूप कोरस में शामिल होंगे। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, यीशु तेरे आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हो, प्रेम तुझसे करता हो, प्रेम तुझसे करता। संकट से हमको बचाना।
प्रार्थना में शामिल होवेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी और खूबसूरत सुबह प्रभु तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, जिसने हम सबों से स्नेह किया, हम सबों से बहुत प्यार किया और प्रभु परमेश्वर हमें एक और मुबारक रविवार दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं
प्यारे प्रभु हमारे द्वारा किए हुए जाने अनजाने के उन सारे पापों को तू क्षमा कर दे और प्रभु परमेश्वर हमें अपनी महिमा में इस्तेमाल कर और प्रभु परमेश्वर हमें ये पहचान दे कि हम गलतियां ना करें, हम पाप ना करें और पुनः पतित जीवन व्यतीत ना करें। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते कि तूने आज हमें एक नए रविवार में प्रवेश करने का अवसर दिया। प्रभु परमेश्वर हम तेरे त्रिएकत्व को समझने पाते और प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु हमारी हरेक गलतियां हमारी हरेक कमजोरियां मसीह यीशु तू जानता है। प्रार्थना करते प्रभु हमारे जिंदगी में तेरे मुताबिक हमारे जिंदगी को कार्य करने की तौफीक दे। प्रभु परमेश्वर हम जानते तेरा कलाम हमारे लिए मुफीद है और पिता परमेश्वर जो तू हमें तसल्ली देता है समय समय पर प्रभु जब हम डगमगाते हैं तेरे कलाम से हम संभाले जाते हैं प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और मसीह यीशु के नाम से दुआ करते आज हर आराधना करने वाला हर एक इबादत करने वाला जो प्रभु अपने घरों में बैठ करके प्रभु तेरी परस्तुति कर रहा है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते प्रभु तेरी अद्भुत आशीषों को तेरे पाक रूह को और प्रभु तेरे प्रसंस की मांग करते प्रभु अपने दोहरे अभिषेक से भरे और प्रभु उनमें से हरेक अपनी महिमा में इस्तेमाल। प्यारे प्रभु बड़े विश्वास हृदय के साथ आज की सुबह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने इन तमाम अजीजों के लिए जो बीमार हैं जो कोरोना से ग्रस्त हैं प्रभु परमेश्वर उन सबों को चंगाई बख्श। प्रभु परमेश्वर वे सारे लोग जो ब्लैक फंगस से प्रभु परमेश्वर संक्रमित है प्रभु इस नई महामारी से लड़ने की ताकत दे। जो हॉस्पिटल में प्रभु उनका ट्रीटमेंट चलता है प्रभु डॉक्टर्स को तौफीक दे प्रभु परमेश्वर ताकि उन पेशेंट्स का ख्याल रख सके और उन्हें एक चंगाई मिल पाए। प्यारे प्रभु हम बड़े विश्वास हृदय के साथ आज की सुबह जब तेरे पास उपस्थित हुए हैं हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की गई तूने उन हरेक को हां और आमीन में सुनकर चंगाइयां बख्शी हैं। प्रभु जी बड़े बोझ के साथ आज पुनः प्रभु हम अपने निवेदन लेकर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते मिस्टर आर एच फ्रेम की कजन सिस्टर के लिए जो जयपुर में है निधि बहन के लिए दुआ करते प्रभु परमेश्वर उस बहन को चंगाई बख्श। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर ए के दास के लिए जो मीडिया में एडमिट है प्रभु परमेश्वर सारा संक्रमण दूर होने पाए और प्रभु परमेश्वर ने पूर्ण स्वास्थ्य दे और पिता परमेश्वर ने प्रभु परमेश्वर जीवन वरदान दे। मैं सीधे उससे दुआ मांगते हैं। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिसेस उषा गिडियन दादी के लिए प्रभु परमेश्वर अरे एक शारीरिक कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए तंदुरुस्ती दे प्रभु स्वास्थ्य लाभ दे प्रभु और पिता परमेश्वर उनके द्वारा की हुई तेरी हरेक सेवाओं को कबूल करना। प्यारे प्रभु साथ ही साथ हम अपने कलीसिया के हर बुजुर्ग को नाम बनाम प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में सौंप दे बुजुर्गियत के हरेक कष्टों को दूर करे हरेक शारीरिक कमजोरियों को दूर करे और स्वास्थ्य लाभ दे प्रभु और प्रभु हरेक को अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं मिस्टर अर्पण विलियम के लिए प्रभु जिनको बुखार आ रहा है प्रभु परमेश्वर दया करें और वो सारा संक्रमण और सारे बुखार और सारी शारीरिक पीड़ा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। उसकी बहन हम प्रभु मिसेस प्रशंसा को दुआ में याद करते हैं जिसकी प्रभु डिलीवरी नजदीक है मसीह यीशु के नाम से प्रभु उसे और प्रभु डॉक्टर्स को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं मांगते प्रभु जो उसके घर में है आशीषित होने पाए और प्रभु सुरक्षित हो नवजीवन प्रभु परमेश्वर धरती पर कदम रखे प्रभु परमेश्वर आशीष देना और उस बेटी को प्रभु स्वस्थ रखना हरेक डर से हरेक भाई से हरेक महामारी के डर से और प्रभु हरेक विपदा से प्रभु तुझे बचा। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर प्रदीप ठाकुर के लिए हरेक शारीरिक कमजोरियां मसीह यीशु के नाम से जाती रहे और प्रभु ने तंदुरुस्ती दे सामर्थ्य बल बुद्धि दे प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल। पिता परमेश्वर हम सिडनी अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं जो नागपुर में है प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन्हें परिपूर्ण करें हरेक शारीरिक दुर्बलता हरेक कमजोरी मसीह यीशु के नाम से जाने। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज आराधना में शामिल होने वाले हर एक दिल अजीजों के लिए जिनके जिंदगियों में समस्याएं हैं परेशानियां हैं दिक्कतें हैं दुख और मुसीबतें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो हर एक निजात को पाने पाए और तंदुरुस्ती का जीवन दे। प्यारे प्रभु बड़े विश्वास हृदय के साथ आज इस पवित्र रविवार आराधना में प्रभु परमेश्वर जब हम ट्रिनिटी संडे को ऑब्जर्व करते हैं प्रभु परमेश्वर हम सबों के बुद्धि के कपाटों को खोले ताकि इस जटिल जटिलता को हम समझ पाए और प्रभु परमेश्वर हम सब आशीष को ग्रहण करने पाए। प्यारे प्रभु
हम बड़े विश्वास हृदय के साथ अपने कॉन्फ्रेंस को, खासतौर पर अपने महामहिम बिशप बिशप एमएड डैनियल साहब को, बिशप अम्मा को, हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों को, हर एक डीएस साहबानों को, हर एक पासबानों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जो इस कठिन समय में प्रभु अपनी सेवाओं को जारी रखते हैं और पिता परमेश्वर लगातार अपनी कलीसिया के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु सबके सब ब्लेस होने पाए, हर एक योजनाओं को तुम मुकम्मल करना और प्रभु सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। आज की सुबह हर एक कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते प्रभु तेरा नाम जलाल पाए, और हम विश्वासियों को तूने जो ऑनलाइन के मार्फत से इबादत करने का अवसर दिया, हम प्रार्थना करते आज की हर एक इबादत मसीह यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए और लोग प्रभु परमेश्वर तेरे दोहरे अभिषेक से भरने पाए। अनुग्रह करें प्रभु और हरेक को अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करें। प्रभु हम कमजोर हैं, हम नाफरमान हैं, प्रभु हम बुद्धिहीन हैं, प्रभु परमेश्वर हमने अपने दिनों के गिनने की सामर्थ्य नहीं हासिल करी, प्रभु परमेश्वर हमने संसार में घमंड किया, हमने प्रभु इस संसार में दुचिते मनुष्यों के समान जिया है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हमारे सारे गुनाहों को, हरेक गुनाहों को प्रभु तू क्षमा कर और प्रभु ये तौफीक दे ताकि हम तेरी खिदमतगारी को अंजाम देते चले, तेरी सेवा में आगे बढ़ सके। हरेक प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते आज के इस मुबारक दिन जितने लोग हमारे टच में आए प्रभु वो सब के सब ब्लेस होने पाए, प्रभु यीशु मसीह की पहचान प्रभु परमेश्वर एक चेहरे से चमक, अनुग्रह करें प्रभु। पुनः धन्यवाद के साथ हम सब अपने पापों का अंगीकार करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुंजी यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से संभाला है, जिंदगी बख्शी है, चंगाई बख्शी है। आइए इन गवाहियों के द्वारा परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। मसीह की सर्वप्रथम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बीते सप्ताहों में मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था और परमेश्वर ने मुझे संभाला और सुरक्षित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने मुझे चंगाई दी और आज मैं स्वस्थ हूँ, और लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, लोगों को भी परमेश्वर की पिता की ओर से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आज मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ, स्वस्थ हूँ। जय मसीह। पिछले सप्ताह जॉन साहब ने अपना 83rd बर्थडे मनाया। इस लंबे जीवन काल में ईश्वर ने इन्हें बहुत अनुग्रह और आशीषें दी, बहुत अच्छा जीवन जिया और हर समय हर तरीके से इनकी और हमारे परिवार की सहायता की। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए लेकिन ईश्वर ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा हमारी सहायता की। और मैं अपनी इस छोटी प्यारी सी कलीसिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहे। आप सबों ने इनके बर्थडे पे इन्हें शुभकामनाएं और दुआएं दी, उसके लिए मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ ईश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। जय मसीह। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद 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 हो उस प्रभु का, उसने मुझे अब तक जिंदों की धरती पर रखा है। प्रभु कृष्ण ने मुझे संभाला है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आप ही हमारे रक्षक हैं, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज के पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। अपनी लंबी आयु के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं 84 इयर्स की हो गई हूँ। धन्यवाद हो उस प्रभु का, उसने मुझे हर चीज़ों से भरपूर किया है। धन्यवाद हो उस खुदा का कि उसने मुझे
इस योग्य बनाया कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाला है। हमें हर घड़ी और हर समय उसका धन्यवाद करना है। प्रभु ने कितने काम आदि से अभी तक किए हैं उन्हें हम समझ नहीं सकते हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमें हमारे घराने पर आशीष दी है, उनका धन्यवाद हो। उसने मुझे हर तकलीफों से बचाया है, उसका धन्यवाद हो। प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ दे कि मैं सदा दूसरों के लिए प्रार्थना करूं और आशीर्वाद दूं। अपने पास्टर का धन्यवाद करती हूं कि उनकी अगुवाई में मुझे प्रेरणा मिलती है। प्रभु उन्हें आशीष दे। सारी मंडली को प्रभु अपनी बरकतों से मालामाल करे। आमीन। भरपूर जीवन तेरे लिए सा जीवन तेरे लिए
मसीह के मधुर नाम में आप सब को जय मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का आज पवित्र त्रिएक रविवार आराधना में मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मसीह यीशु मसीहों ये हमारी जिंदगी के लिए, मसीही विश्वास के लिए एक बहुत ही खास दिन है। जैसे कि हमने असेंशन डे स्वर्गारोहण दिवस मनाया, जैसे कि हमने पेंटिकॉस्ट रविवार मनाया, वैसे ही मसीह यीशु मसीहों ये त्रिएकत्व रविवार ट्रिनिटी संडे हमारे लिए बहुत आशीषित है। हमारा ईमान है कि हमारा खुदावंद जो अलग अलग समय कालों में रह करके लोगों की मदद की और आज हमारे साथ पूर्ण रूप से हमारे साथ है, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु मसीहों कलीसियाई सूचनाओं से ब्रीफली हम मुखातिब होंगे। आने वाले रविवार या आराधना का समय सुबह 9 बजे से फेसबुक चर्च के पेज पर ये आराधना प्रसारित होगी और ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव होगी। आप सबों से निवेदन है जरूर प्रार्थना में अपने परिवार के साथ शामिल हो। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मेहरबानी से आप हम तक सेंड करें और इन आराधना के लिंक को जो है अपने अजीजों के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आने वाले गुरुवार शाम 7 बजे से हम प्रार्थना में बैठते हैं, चर्च के अजीजों के साथ प्रार्थना में बैठते हैं जो गूगल मीट पे होती है। आप सबों से निवेदन है मेहरबानी से आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तक भेजें, उन तक पहुंचाएं ताकि हम उन विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें। मसीह यीशु मसीहों हमारा ऐसा विश्वास है जब जितनी भी प्रार्थनाएं हुई, मैं आप सबों के साथ इस बात को विटनेस को शेयर करना चाहता हूं, जितनी भी प्रार्थनाएं हुई हैं अब तक मसीह यीशु मसीहों, परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका प्रत्युत्तर हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हमारा विश्वास है कि आप जरूर प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तक शेयर करें, समय पर भेजें ताकि हम उन अजीजों के लिए प्रार्थना कर सकें। आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी के धैर्य के लिए मैं हृदय से धन्यवादित हूँ। आप सबों के स्नेह के लिए, आप सबों के प्रेम के लिए मैं हृदय से धन्यवादित हूँ। मसीह यीशु के नाम से आप सबों के ऊपर में प्रभु की असीम कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और हम वो दिन देखते हैं जबकि अभी हमारे शहर में लॉकडाउन चल रहा है और वो समय नजदीक आएगा मसीह यीशु मसीह जब धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरेंगी। परंतु इस जगह पर मैं आप सबों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने चर्च ऑफरिंग्स को, अपनी भेंटों को, अपने अपने बकाया धन्यवादी थैंक्सगिविंग्स को आप सीधे चर्च अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और मेहरबानी से पासवान को या चर्च ट्रेजरर महोदय को सूचित करना ना भूलें ताकि हम उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकें। मसीह यीशु मसीहों हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम सब सुरक्षित हैं। और मैं आप सबों से इस जगह पर यह कहना चाहता हूं, मेहरबानी से सावधानी बरतें। कृपया आप अपने घरों में जब होते हैं सावधानी बरतें, घरों से जब बाहर जाते हैं सावधानी बरतें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और मास्क प्रॉपर लगाएं। जब आप मास्क प्रॉपर लगाते हैं मसीह यीशु मसीहों तो हम सुरक्षित होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं जितनी साफ सफाई होगी उतने हम सुरक्षित रहेंगे। सावधानी में ही स्वास्थ्य है जो सुरक्षित है। इसलिए आप सबों से निवेदन है जबकि कठिन समय चल रहा है और हम सब भी इन चीजों को सीख रहे हैं, हमारी जिंदगी में, हमारे रूटीन में एक नई चीजें और जुड़ गई हैं, उसका हमको बराबर ख्याल रखना है। और जरूर कोविड से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आप गंभीर हो गए, इसलिए कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम या कोविड से जुड़ी हुई किसी भी चीज की कोई भी परेशानी आपको लगती है तो मेहरबानी से टेस्ट जरूर करवाएं और जैसी आपकी अपनी बारी आती है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कृपया आप सबों से निवेदन है कि हम सब अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस प्रशंसा अरविंदर को जरूर स्मरण करें। बहुत ही जल्द संभवतः आने वाले सप्ताह में हमें गुड न्यूज मिलेगी, उस बहन को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें कि ताकि परमपिता परमेश्वर उसे आशीष दे और सुरक्षित डिलीवरी होने पाए। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर एके दास साहब को स्मरण करें जो हमीदिया में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर जीवन वरदान दे, तंदुरुस्ती दे और नई जिंदगी के साथ परमेश्वर की सेवा में आगे आने पाए। और मसीह यीशु मसीहों कोई और सूचना होगी तो जरूर आप सबों से हम रूबरू कराएंगे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल होवें।
हम हृदय से धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु मसीहों बीते सप्ताह जिन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया है, उन सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, आप सबों को वैवाहिक जीवन की वेडिंग एनिवर्सरीज की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। आइए अजीजों, प्रार्थना में अपने सुरों को हम झुकाएंगे और उन तमाम अजीजों को, चर्च के जितने लोग हैं उन्हें आम शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते बीते सप्ताह में जिन्होंने प्रभु अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया और आशीष भाई प्रभु, उन सब के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया के बुजुर्ग मिस्टर आर एन जॉन के लिए जिन्होंने 22 तारीख को अपने जीवन के 83 साल पूरे किए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते और प्रार्थना करते बुजुर्गियत में प्रभु परमेश्वर सारी शारीरिक कमजोरियां दूर करना और उन्हें जीवन वरदान देना। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मिसेस सी जूलियस नानी के लिए जिन्होंने 24 मई को प्रभु अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और प्रभु परमेश्वर उन्होंने अपने जीवन के पूरे पूरे 84 साल पूरे किए हैं। हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर तेरे अनुग्रह में ऐसी आशीषित रहे, बढ़ती जाए, सारी शारीरिक कमजोरियां दूर हो और प्रभु तेरी महिमा में आशीषित होने पाए। तूने प्रभु ने दीर्घायु दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई मिस्टर अभिषेक बेंजामिन के लिए जिन्होंने 24 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। धन्यवाद करते हैं मिस्टर समीर दास के लिए जिन्होंने 27 मई को प्रभु अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम जन भाइयों को प्रभु तेरे सामर्थ्य आत्म सौंप और प्रार्थना करते तेरा अद्भुत फजल बना रहे, हर एक दिली ख्वाहिशों को पूरा करना और धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए प्रभु, जन्म से लेकर आज तक संभाला है, आगे भी संभाल के प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। बीते सप्ताह जिन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया प्रभु, उन सबको नाम बनाम प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, उनके लिए आशीष मांग। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। प्रार्थना करते हैं मिसेस सपना के लिए और मिस्टर अमन कुमार हैमिल्टन के लिए जिन्होंने 24 मई को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। हम धन्यवाद करते हैं मिसेस सुहासनी दास के लिए और मिस्टर लवी दास के लिए जिन्होंने 24 मई को प्रभु अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करी। हम धन्यवाद करते हैं मिसेस मनीषा प्रेम और मिस्टर आरएच प्रेम जी के लिए जिन्होंने 25 मई को प्रभु अपनी शादी की सालगिरह मनाई। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मिसेस ईला माइकल के लिए और मिस्टर माइकल शैम्यूल के लिए जिन्होंने 26 मई को प्रभु अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की। और भी वो अजीज जिन्होंने प्रभु अपने वैवाहिक जीवन पर आशीषें पाए, उन सबको प्रभु नाम बनाम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप। और प्रार्थना करते प्रभु उनके दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर बहुतायत के साथ आशीष देना। वो वादा, वो वाचा जो उन्होंने विवाह के समय किया था प्रभु तेरी वेदी के सामने किया था, उन्हें ये स्मरण रखें और प्रभु हर एक दाम्पत्य जीवन आशीषित होने पाए और तेरी बरकत की बारिशें इनके जिंदगियों पर बनी रहे, ऐसी तुझसे दुआ मांग। पुनः प्रभु आज आराधना में शामिल होने वाले हर एक बुजुर्ग, हर एक हमारे भाई बहन, हर एक जवान बेटे बेटियां, छोटे बच्चों, हर एक को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप, ऋषि मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।
जिसे तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से तू अभी
अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। आज हम त्रिएक रविवार ऑब्जर्व कर रहे हैं और मसीह मसीजो हमारे लिए त्रिएक रविवार को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के त्रिएकत्व को समझना बहुत जरूरी है। जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, शब्द से ही साफ है, त्रिएकत्व तीन अलग अलग पर्सनालिटी परंतु एक तत्व। पवित्र त्रिएक परमेश्वर को जानने के लिए हमारा गणित कोई काम नहीं करता, क्योंकि यह त्रिएकत्व तीन डिफरेंट पर्सनालिटी को बताता है जो दरअसल एक ही है। हम सभी अपने गणित के अनुसार जानते हैं 1+1+1=3, लेकिन हम पवित्र आत्मा के त्रिएकत्व को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर 1+1+1=1 है। अद्भुत है। मसीह यीशु मसीहो, अब तक हमने यह सीखा कि परमेश्वर एक है जो संसार का सृष्टि करता है, संसार का रचयिता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 6वें अध्याय की 4वीं आयत से पता चलता है, लिखा कलाम में, इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, केवल एक ही परमेश्वर है। परंतु पवित्र शास्त्र का जब हम सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर तीन व्यक्तित्व के रूप में विद्यमान, मतलब परमेश्वरत्व जो तीन व्यक्तियों में प्रकट होता है। कुलूसियों अध्याय 2:9 को जब हम पढ़ते तो पाते लिखा, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मसीह यीशु मसीह जो
हम यहाँ पर एक आपत्ति को भी समझ ले। कई बार मुझसे भी किसी कई विद्वानों ने इसमें बहस करी कि बोले त्रिएकत्व का संदर्भ हमारे समझ में नहीं आता। दरअसल कलाम को जब पढ़ते हैं तो बस यीशु मसीह हो ये धारणा है जिसका वर्णन कलाम में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। त्रिएकत्व शब्द कहीं पर भी नहीं मिलेगा, परंतु ये वो विश्वास है जिसपे कि हम आगे बढ़ते हैं। आपत्ति यह है कि परमेश्वर एक ही समय में तीन व्यक्ति और एक ही परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्या इसके अनुसार तीन परमेश्वर नहीं हो जाएंगे जो अन्य जातियों के दर्शन उनकी फिलॉसफी के अनुकूल होंगे और व्यवस्था विवरण उसके छठवें अध्याय के चौथी आयत के विपरीत हो जाएंगे? क्या त्रिएकत्व का सिद्धांत समझ से बाहर है और तर्क के विपरीत है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है। यशया नबी की किताब उसका 55वां अध्याय, आई होप सो कि आप सबके हाथ में बाइबल होगी और आप इस विषय को अगर समझना चाहते हैं, डिटेल से समझना चाहते हैं, तो कलाम को जरूर आप पढ़ सकते हैं या कहीं लिख लें, उसके बाद आप उसे अध्ययन कर पाएंगे। यशया नबी की किताब उसका 55वां अध्याय 8वीं आयत एवं 9वीं आयत से पता चलता है कि मनुष्य के तर्क से हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकेंगे। कलाम कहता है क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे बीच में सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्यारे यीशु मसीह में अजीजो, हम अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दें। कलाम को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम बहुत अनावश्यक उसमें गणित लगाते हैं, अपनी फिलॉसफी उसपे लगाते हैं, जो कई बार हमें हमारे मार्गदर्शन से, हमारे हमारे मार्ग से हमें भटका सकती है। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कलाम की गंभीरता को समझें, और अगर नहीं समझ में आता तो आप अपने धर्मगुरुओं से पूछें, बात करें, ताकि हम उसके निर्णय पर आ सके, समाधान पर आ सके। त्रिएकत्व के सिद्धांत के मसीह यीशु मसीह जो बाइबल में कुछ आधार है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब और 13वीं आयत से 17वीं आयत में यीशु का बपतिस्मा जब हुआ तो वहां पर हम त्रिएकत्व को कार्य करते हुए देखते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्ग से बोलता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था। परमेश्वर पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरा, और मत्ती अध्याय 28 आयत 29 में बपतिस्मे की कार्य प्रणाली के बारे में वर्णन है, जहां पर लिखा इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दैट इज व्हाट वी बिलीव एवरी क्रिश्चियन दोज हु हैव देयर बैप्टिज्म, उन्होंने परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। ये त्रिएकत्व के सिद्धांत की कार्य प्रणाली है, मसीह यीशु उसका आधार है, बेसिक। और जब हम दूसरा कुरंथियों अध्याय 13 आयत 14 को पढ़ते हैं, दूसरा कुरंथियों अध्याय 13 आयत 14 को पढ़ते हैं, तो हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पाते हैं। लिखा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबों के साथ होती रहे। स्पष्ट है मनुष्य की उत्पत्ति के समय बहुवचन का प्रयोग हुआ था, आपको याद होगा उत्पत्ति 1:26 जहां लिखा फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे पृथ्वी पर उस पर अधिकार रखें। मेरे दिल अजीजों, हम इन बातों की गंभीरता को समझेंगे तो जानने पाएंगे कि प्रभु परमेश्वर जो है अपने व्यक्तित्व का धनी है और अलग अलग समयों में उसने काम किया है। कई बार हम अवतार के कॉन्सेप्ट में बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान में और हम अपने देश में देखते हैं तो यहाँ पर प्रचलन में है कि जब जब धर्म की क्षति होती है तब तब जब जब जो है परमेश्वर जब जब ईश्वर अवतरण होते हैं मेरे मसीह यीशु मसीहो। लेकिन हम यहां पर देखते हैं सृष्टिकर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाला, अपने मुख के शब्दों से रचना करने वाला वो अद्भुत परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के रूप में पुराने नियम में उसने काम किया, और नए नियम में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके कार्य हुए और उसके बाद पवित्र आत्मा को उतरना हमने पाया। मसीह यीशु मसीहो,
हम इन बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तुम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और परमेश्वर पिता के प्रेम में कितना गहरा संबंध है, और हम अधूरे रह जाएंगे। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देती, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते और मांगते खुदा बाप से। बड़ा अफसोस है उन लोगों के लिए जो त्रिएक परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, जो त्रिएकत्व पर सवाल उठाते हैं। मसीह यीशु मसीह, हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने इन विषयों को रखता हूं जिसके द्वारा से हम जान पाएंगे कि कैसे ये त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है सृजन के रूप में। त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है पृथ्वी के निर्माण, सृष्टि के निर्माण में परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर पिता बोला और कार्य हुआ। परमेश्वर पुत्र वो वचन था जो बोला गया, यूहन्ना अध्याय 1:1 में कि आदि में पवचन था। ये वचन ही है जो देहधारी हुआ। सो परमेश्वर पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, उत्पत्ति 1:2। अय्यूब अध्याय 26:12-13, इनको जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि सृजन के समय में त्रिएक परमेश्वर काम कर रहा, देह धारण के समय में इसको समझ लें, परमेश्वर पिता, ठीक है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दिया। परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ, लूका 2:11। और तीसरा, परमेश्वर पवित्रात्मा मरियम पर गर्भ धारण के लिए उतरा, लूका 1:34, देह धारण के रूप में त्रिएक परमेश्वर का कार्य। अब छुटकारे के कारण, छुड़ौती के कारण परमेश्वर पिता ने कलवरी का बलिदान स्वीकार किया, हम सब जानते हैं। परमेश्वर पुत्र ने अपने आप को हमारे स्थान पर कुर्बान किया, और परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा अर्पित किया। मसीह यीशु मसीह, अद्भुत बात है, छुटकारे के कार्य में जो है त्रिएक काम करता। मैं आपको और एग्जांपल बताना चाहता हूं, उद्धार में त्रिएक परमेश्वर काम करता है, सहभागिता में, फेलोशिप में त्रिएक परमेश्वर काम करता है, प्रार्थना में। इसका एग्जांपल हम जरूर देखें, जबकि हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर पिता निवेदनों को ग्रहण करता अपने सिंहासन पर बैठे हुए। यूहन्ना उसका 16:23 को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 16:23, परमेश्वर पिता निवेदनों को ग्रहण करता। अब परमेश्वर पुत्र के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना 16:23 अगेन। और तीसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता, रोमियो 8:26। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है, अद्भुत बात है ना। ये प्रार्थना जो हम करते हैं इसमें भी त्रिएक परमेश्वर कार्यशील होता है, महिमा में, पुनर्जीवन प्रदान करने में त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर पिता नए नाम को महिमा स्वर्ग पर अंकित करता है। मसीह यीशु मसीह तो परमेश्वर पुत्र पाप को अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध करता, और परमेश्वर पवित्र आत्मा नए जन्म के आश्चर्य जनक परिवर्तन को लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। अद्भुत वर्णन से बाहर। मसीह यीशु मसीह, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारे हृदय में बड़ी एक अद्भुत और एक बड़ी शांति महसूस होती है। आइए हम इसको ब्रीफली आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के गुण क्या है, इनके वर्च्यूज क्या है, इनको हम जान लें। जब हम आज 2021 में 30 मई को जब हम इस आराधना में शामिल हुए हैं, तो हमारे जीवन में यह मालूम होना चाहिए कि पवित्र त्रिएक परमेश्वर के गुण क्या क्या हैं, जो शायद अब तक हम अनभिज्ञ थे। मैं इसके बाद और गंभीर बातें आपको बताऊंगा। सो हम उसके वर्च्यूज को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, तो हम पाते हैं अनंत। त्रिएक परमेश्वर का गुण है कि वो अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है,
उबारुल हक खुदावंद है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो पवित्रता है, वो सत्य है, वो कृपालु है और वो सहभागिता में हमारे साथ होता है। अद्भुत बात है मसीह यीशु मसीहों, ये वो अद्भुत गुण है जिसको हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारे बिब्लिकल रेफरेंसेस आज मेरे साथ है, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने फाइंडिंग्स को, अपने रिसोर्सेस को देखें और जब डाउट हो इस पे तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मसीह यीशु मसीहों, आज इस संसार में हम परिस्थितियों को ऐसा देख रहे हैं जहां पर जो चीजें अनिश्चितताओं से भरी है और उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को देखते हैं, कितने लोग हमारे परिवारों के से, कितने लोग अलग अलग हमारी जान पहचान के, कितने लोग प्रभु में सो गए और बीते महीने में, और लगातार हम मौत के तांडव को देख रहे हैं। मौत लगातार लोगों को घेर रही है और लोगों के जीवन को बर्बाद करी, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। मेरे अजीजों, हम जब परमेश्वर के सामने हैं, हम में से तो हमें अपने आप में कोई कुवत भी महसूस नहीं होती, हमारे अंदर में कोई क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर में कोई खास विशेषता नहीं है। लेकिन जब हम इस पवित्र त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, जो अलग अलग समयों में नहीं परंतु आज भी हमारे जीवन में काम करता है, तो हम इस बात को जानने पाते हैं कि वो अजीज खुदावंद कितना हमारे लिए आशीष का कारण है। अंत में मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं, यदि आप इस जटिल सिद्धांत को समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल व्याकुल ना हो। बाइबल के एक स्कॉलर लिंडसेल और वुडब्रिज ने एक बात कही थी जिसको मैं आपके साथ या इस पॉइंट पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति त्रिएकत्व को पूरी तरह समझने की चेष्टा करेगा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा, लेकिन जो त्रिएकत्व का इनकार करेगा वो अपनी आत्मा को ही खो बैठेगा। बिल्कुल सच बात मसीह यीशु मसीह, वी कैन नॉट डिनाय, हम उसको डिनाय नहीं कर सकते। ये एक अद्भुत रहस्य है और ये हमेशा रहस्य होगा जब तक हम स्वर्ग में परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल जाते हैं, तब तक ये हमारे जिंदगी के लिए एक अद्भुत रहस्य बना रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस पर विश्वास नहीं करें। इस पर विश्वास करना, त्रिएकत्व पर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। मसीह यीशु मसीह, हम भी तो त्रिभागी प्राणी ही है, हमारे अंदर भी देह प्राण आत्मा ही है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। आइए मसीह यीशु मसीह इस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। और मैं आज आप सबों से अपील करना चाहता हूं कि जब हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके मधुर नाम के निमित्त सजदा करेंगे, तो प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष देगा। आइए त्रिएक परमेश्वर के सदस्य का धन्यवाद करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का, उन कार्यों के लिए जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए किए हैं, उन सारे उपकारों का हम धन्यवाद करेंगे। आइए मसीह यीशु मसीहों, हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम तेरे पास आए हैं। प्रार्थना करते प्रभु, जब हम इस पवित्र त्रिएकत्व को समझने की कोशिश कर रहे थे, अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई प्रभु तो क्षमा करें और प्रभु वरदान दें कि हम इस अद्भुत रहस्य को समझ पाए, तेरे कलाम से आशीषित होने पाए और बहुतों के लिए भी आशीष का कारण बने। आज आराधना में जितनों लोगों ने भी प्रभु अपने जीवन का समर्पण किया, उन सभी को स्वीकार करे और प्रभु सबको अपनी महिमा से भर दे। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर परम पवित्र त्रे
मैंने मन का द्वारा आपसे भरा बेशुमारा खोला मैंने मन का द्वारा आपसे भरा बेशुमारा अपने लहू से आत्मा तू उतर कर शुद्ध ये मंदिर पवित्र आत्मा तू उतर कर शुद्ध ये मंदिर ज्योति चमका दे मेरी प्रार्थना तू सुन सुन प्रभु सुनिए पवित्र त्रे परमेश्वर आ प्रभु आइए। यीशु मसीह अजीजो, आज जिन्होंने अपनी जिंदगी का प्रभु के सामने समर्पण किया है, जिन्होंने अपनी भेंटें समर्पित की, उन सबों के लिए हम धन्यवाद करें और आज हम सब अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज हम सुबह प्रभु परमेश्वर अपने आप को तेरे पवित्र चरणों में, हम हर एक आराधना करने वाले प्रभु अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। मांगते प्रभु तेरी कृपा बनी रहे, जिन्होंने धन्यवाद के साथ हाँ और आमीन में प्रार्थना में शामिल हुए, वचन को सुना, आराधना में शामिल हुए, प्रभु सबको आशीष दें और अपनी बरकतों से मामूर करें। जिन्होंने प्रभु परमेश्वर आज की आराधना में प्रभु अपने कमिटमेंट्स को किया है और प्रभु उन्होंने चाहा कि वो प्रभु तेरे सामने समर्पण करें, हरेक की भेंटों को स्वीकार करके अपनी महिमा में इस्तेमाल करना, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आराधना में शामिल हुए हर एक दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक स्प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के हरेक विश्वासियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमनता बनी रहे, आमीन। आमीन।